हाँ, मैं कबूल करता हूं कि मैंने कत्ल किया है और पूरे होशो हवास में किया है। उस दिन जब मैं और मैं नहीं नाम मैं यानी जय और रोनी जब दीदी के फ्लैट पर पहुंचे तो अखिल वहां पहले से ही दरवाजे पर था और जैसे कुछ ढूंढ रहा था। ओ क्या हुआ? कुछ नहीं यार, अगेन आई मिसप्लेस माय कीज। यू वर लुकिंग फॉर योर कीज हियर? Oh, this, no. Actually, my coin had fallen. Oh. Is that one? Oh, this. Pichle 5 minutes se ise to dhoond raha tha, yaar. Pakad, yaar. Thanks, yaar. Teen din baad, Pooja aur Akhil ki shaadi thi. हम तीनों ने शॉपिंग अलग अलग बांट ली थी। तीनों? सर मैं, मेरा मतलब है जय, अखिल और रोनी। मैं और रोनी साथ गए थे और अखिल अलग। वेल, तुम तीनों का पूजा से रिश्ता क्या है? मैं और पूजा शादी करने वाले थे। रोनी उसका बड़ा भाई है और जय उसकी बुआ का लड़का। करते क्या हैं आप लोग? पूजा और मेरा पार्टनरशिप में फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस था। अखिल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो आजकल पूजा के साथ अपनी कंपनी खोलना चाहता था। और जय कुछ नहीं करता मेरे ख्याल से। वैसे संबंध कैसे हैं आप लोगों के आपस में? तीन दिन बाद हमारी शादी थी
तो आप सोच सकते हैं कि हमारे संबंध कैसे होंगे। रोनी शुरू से अकेला है और पूजा के साथ बिजनेस में है। हाँ, जैसे पूजा थोड़ा नाराज रहती थी क्योंकि वो कुछ नहीं करता। जय के बारे में आपका क्या ख्याल है? पूजा अक्सर उससे नाराज रहती थी क्योंकि उसको उसके सारे खर्चे उठाने पड़ते थे और आजकल तो वो उसके बिजनेस में पार्टनर बनने की कोशिश भी कर रहा था। वैसे आप उसे अपना पार्टनर बनाना चाहते थे? रोनी को इससे क्या मतलब? ये बिजनेस पूजा का था और पूजा ने ही उसे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाया था। क्या ये चाबी आपकी है? नहीं नहीं, पर शायद अखिल की है क्योंकि सिर्फ उसी की ही चाबी खोई है। क्या कत्ल आपने किया? नहीं, पूजा मेरी सगी बहन थी। मैं तो मुंबई में हूँ ही दीदी की वजह से। हम पिछले 3 साल से रिलेशन में थे। आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्या कहता है मात्रे? सर, कातिल का नाम तो डेड बॉडी खुद ब खुद बता रही है। मींस जिसकी ये चाबी है, अच्छा, वही कातिल है। लेकिन घर के कोई भी सामान पर फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, ना ही उसकी बॉडी पर। पढ़े लिखे क्रिमिनल्स हैं सर, सबूत थोड़ी छोड़ेंगे। सबूत तो छोड़ा, पर कातिल है इन तीनों में से कोई एक, पर कौन? What were you doing yesterday? Huh? What do you mean? So what's your story? I mean, तुम दरवाजे के बाहर क्यों खड़े थे जबकि बॉडी अंदर थी? Are you insinuating? That's not the answer to my question. मैंने तुम्हें बताया ना, मैं अपने हनीमून की बुकिंग के लिए गया था। And what happened to that? Nothing. All offices were closed. कितना आसान है ना? I mean, how easy is this? Give me one damn good reason why I shouldn't blame you for my sister's death. I think you murdered her. Yes, you can say. Because I have no alibi. But what is your story? I was with Jay, okay? Buying supplies. Okay, you can ask him. So that lets both of you off the hook. I'm done with this. I don't care what you're doing. Okay? I'm going. You know what? What? I can smell something fishy here. Yesterday, Ronnie was not with me all the day. In fact, at one point he suggested कि हम दोनों को अलग-अलग शॉपिंग करनी चाहिए। इससे टाइम भी बचेगा और शॉपिंग के बाद हम कैफे पे मिल लेंगे। I agreed because I really did not think there was anything to it then. But now I think. Then what? Well, he had time enough for a two-way ride here. Yes.
suspicion is in the air, but the damage is already done. Ronnie, I think we all should be practical and ensure our safety. Whatever that means. I mean, we should think rationally about the future and assess the present situation with caution. Come to the point, man. I will. Par usse pehle main tumhe ye bata dun ki main Pooja se bahut pyar karta tha. और आज भी मुझे उसकी कमी बहुत ज्यादा खलती है. हम शादी करने वाले थे. तुम ये मत समझना कि मैं अनसिंपैथेटिक हूं. You know what? I don't think you should be. Why don't you just tell me a rational idea? Don't interrupt me like that. All I'm saying is, what is going to come out of an investigation now? Damage is done. She's dead. पर पुलिस वालों को इसकी कोई परवाह नहीं है कि कत्ल किसने किया है. उन्हें तो बस एक बकरा चाहिए जिसे पकड़कर वो अपनी फाइल क्लोज कर सकें. I think he's got a valid point. We all are alibi to each other. If we stick to our statement, police can't harm us. Anyone of you need a beer? Okay, I'll get it for myself. Yeah. You know what? I think there is something fishy about this, Jay. Yesterday he kept telling me that why we two were shopping for one's job. Okay? आज तो मैं जितना इस जय के बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि जरूर इसके पीछे उसका कोई मकसद था. It's conspiracy. What the hell is this? Cousin. Like to have a sip? Hey! Bastard! You killed her, didn't you? What the hell, man? You killed her! I did not have aisa bol bhi kaise sakte ho. She was like a mother figure to me. Then why did you go to shopping alone? I did not. Then why did you keep repeating that all the time over there? That was just a coincidence. When I told Akhil, I suspected you. He had torrent of ideas in his mind, okay? His expression kept changing and he left. नहीं, वो इसलिए नहीं गया. बल्कि वो इसलिए गया क्योंकि वो जान गया कि मैं समझ गया हूँ. What? I think he did it. Remember that day when we returned home? Why was he waiting outside? He could have just knocked and entered. And the knife? I think I've seen similar stuff in his bag. Go and check his bag if it's still there or not. ये क्या साबित करेगा? अगर वो knife वही नहीं हुआ, तो ये वही knife है जो पुलिस के पास है, जो सबूत है. चलो, let's check. Oh shit,
I can't believe this. What was his motive? Revenge. It must be maddening for a man of his vanity to have to beg to his fiancée. I'll inform the police. They'll come and catch him now. कभी कभी सोचता हूं कि इंसान भी अपने चेहरे पर कितने चेहरे लगाकर रखता है कि आप उसे पहचान ही नहीं सकते। पुलिस अगले दिन ही अखिल को पकड़ कर ले गई और पुलिस के लिए केस क्लोज हो गया। कुछ दिन बाद पूजा का सारा बिजनेस और इंश्योरेंस मनी मुझे मिल गया, सिंस आई वॉज हर ओनली हेयर। पर क्या वाकई अखिल मर्डरर था या जय या मैं? कातिल जो भी था वो जानता था नाइफ बैग में है, उस पर चाबी चुराने का मौका था। वो जानता था कि फोन डोर के अपोजिट डायरेक्शन में है। उसने आराम से मर्डर किया और बॉडी के पास चाबी गिरा दी। वो जानता था कि मर्डर करके वो आराम से फ्रंट डोर से निकल जाएगा, और केवल वही ये सब जानता था क्योंकि वही आपको यह कहानी सुना रहा है। यस, मर्डरर वॉज आई। हाँ, मैं कबूल करता हूं कि मैंने कत्ल किया है और पूरे होशो हवास में किया है।